हरिद्वार कांग्रेस सेवा दल के अतिरिक्त जिलाध्यक्ष छबीला सिंह उर्फ धर्मवीर सिंह द्वारा लक्सर के रुड़की तिराहे पर रुड़की रोड का निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर 24 घंटे के धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरने पर बैठने से पूर्व 11 बजे कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके चित्र को सैल्यूट देते हुए पुष्प अर्पित किए। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की तथा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय ध्वज गीत से कार्यक्रम का उत्साह बढ़ाया। राजीव गांधी अमर रहे, कांग्रेस सेवा दल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए तथा वक्ताओं ने राजीव गांधी के कई स्मरण सुनाए। मौके पर वक्ताओं ने कहा, लक्सर रुड़की रोड का निर्माण कराने में कार्यक्रम के आयोजक एवं कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने धरना स्थल पर पहुंचने वाले सभी लोगों एवं पार्टी जनों का आभार जताया। लगभग 12:30 बजे धरना स्थल पर पहुंची लक्सर की तहसीलदार ने धरने पर बैठे लोगों को की पीड़ा को सुना व देखा तथा समझा और बिना किसी देरी के कांग्रेस सेवा दल के ज्ञापन पत्र को महामहिम के यहाँ भेजने का आश्वासन देते हुए बारिश के कारण 24 घंटे का धरना समाप्त कराए जाने को कहा। ज्ञापन देते हुए रस्तोगी ने कहा कि यदि एक माह में सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो कांग्रेस सेवा दल भू नमन यात्रा का आयोजन करेगा। इस अवसर पर प्रधान जसवीर सिंह, डॉक्टर नौमान ब्रजा, अंकित चौधरी, शादाब अली, संजीव कुमार सेठपुर, रोहित गुर्जर, लोकेश कुमार, उस्मान अंसारी, सोनू पालीवाल, राजेंद्र धीमान, बसंत प्रजापति, मोहम्मद उस्मान, रीना गुप्ता, बबली देवी, मोहसिन एडवोकेट, देवेश राणा, वसीम अकरम, चौधरी भगत सिंह, सोमित चौहान, राव फिरोज, नीतू चौधरी, डोनू पंडित, रजत केहड़ा, अखिल पवार, फैजान रजा, रमेश कुमार, समीर, अमन वर्मा, अभिषेक सैनी, राजू श्याम कुमार, कमलेश मिश्रा, शाहरुख चिले सिंह, फूलचंद आदि लोग उपस्थित रहे। निवेदन पूर्वक आपको अवगत कराना है कि रोड का निर्माण केंद्र ओब्लिक राज्य सरकार पिछले 4 सालों से कराने में पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, जिस कारणवश लक्सर और रुड़की की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उस सड़क के खराब होने के कारण सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कई युवा मौत के मुंह में समा चुके हैं। किसी को भी सरकार की तरफ से एक भी पैसे का मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए उक्त सड़क का तत्काल निर्माण कराया जाना आवश्यक है। अतः महामहिम जी से प्रार्थना है कि उक्त सड़क का तत्काल निर्माण कराए जाने का आदेश पारित करने की।